पत्रकार छाया मित्रों, आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करके मुझे बहुत ही आनंद और खुशी महसूस हो रही है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते देश भर से इस प्रतियोगिता में भाग ले रही 36 टीमों के 2561 खिलाड़ियों का सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इन सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग पुलिस के जवान होने के नाते खेल में अपनी प्रतिभा देश भर में दिखा रहे हैं और अन्य खिलाड़ियों को भी आप जो है प्रेरणा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, पुलिस की आपकी नौकरी देखा जाए तो ये जो कुश्ती प्रतियोगिता होती है इसको दंगल कहते हैं, वैसे पुलिस की नौकरी भी एक दंगल से कम नहीं होती है। जैसे कुश्ती में आमना सामना हम भिड़ते हैं और किसी की भी पीठ को जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं, हम ऊपर आकर के जीतना चाहते हैं, ऐसे ही जब कभी समाज में हम लोग अपराधियों के साथ भिड़ंत करते हैं तो उस समय या तो अपराधी, हमारी कोशिश रहती है कि अपराधी की पीठ को हम जमीन पर लगा दें, हम जीत जाएं। ध्यान रहे कुश्ती और हमारा काम यानी पुलिस का काम, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर किसी की पीठ लग गई या कोई पीठ दिखा के भाग गया, दोनों हारते हैं। और हमने किसी की पीठ लगा दी और हमने किसी को भगाया तो हम जीतते हैं, चाहे वो कुश्ती है चाहे हमारा पुलिस का काम है। मित्रों भाई बहनों, हमारे यहां हरियाणा में कुश्ती एक पारंपरिक खेल है। गांव गांव में खेल खिलाड़ी सबसे पहले कबड्डी और कुश्ती ये खेलता रहा है, माटी में खेलता रहा है। तो हमारी ये जो माटी हमको जो संस्कार देती है, हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, वही खिलाड़ी आगे बढ़कर के देश और समाज का नाम ऊंचा करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना में एशियाड खेल हो रहे हैं, इन एशियाई खेलों के अंदर कुल मिला के अभी तक आज के जो टैली है देश भर के 71 मेडल आए हैं और इस 71 मेडल में हरियाणा का 20% से ऊपर हिस्सा है। 16 मेडल हरियाणा जीत चुका है। इसलिए हरियाणा हमारा ये खेलों का एक प्रकार से ये खेलों की धरती है, खेलों का हब है। हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तौर पर भी बहुत से ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ें। खेल प्रतियोगिताओं से हमारी जो भावना है, एक टीम की भावना बनती है, सहयोग की भावना बनती है, परस्पर एक दूसरे से मिलकर के काम करने के लिए प्रेरणा लेते हैं। खेलों का और जवानों का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जवान भी अपनी ड्यूटी देते समय अपनी टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये सब सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि जो फिट है सो हिट है। फिट वही होता है जो अपने शरीर का व्यायाम करता है, योगा करता है, खेल खेलता है, वही हमेशा फिट रहता है। कोई भी भारतीय जब खिलाड़ी जीतता है तो उससे न केवल खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। सभी हमारे साथ हमारे संग मिलकर के और इसका आनंद लेते हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने जीत करके अपने देश का मान बढ़ाया है दुनिया में। हम खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस का भी इन खेलों में योगदान कम नहीं है, बहुत सराहनीय योगदान है। खिलाड़ी हमारे हरियाणा पुलिस की भी शान। तो देखिए, एचपीए मधुबन के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को और यहां पर संबोधित कर रहे थे करनाल के मधुबन से सीएम मनोहर लाल ने इसका शुभारंभ किया है, 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग का। और इसके साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहां पर बेहद ही शानदार स्वागत भी हुआ था। एचपीए मधुबन के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शानदार स्वागत हुआ।
परेड निरीक्षण के बाद 441 प्रोविजन सब इंस्पेक्टर जनसेवा में समर्पित हुए हैं। इसके साथ ही यहां पर संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तमाम बातें कहते हुए आप उनको सुन रहे थे और ये कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें हैं। रेसलिंग क्लस्टर का शुभारंभ जो है यहां हरियाणा में किया गया है। हम खिलाड़ियों को चाहे वो मेडल जीत के आते हैं अथवा खेल में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं, उनको नौकरियों में हमने आरक्षण भी दिया हुआ है और इन नौकरियों में आरक्षण लेने वाले खिलाड़ी विशेष तौर पर चाहे हमारा खेल विभाग हो अथवा पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, ऐसे कुछ ही विभागों में ये खिलाड़ी नौकरी करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ खेल प्रदर्शन कैसे हो इसका पूरा प्रयत्न करते हैं। हरियाणा में हमारे जो DAV पब्लिक स्कूल हैं, इन पब्लिक स्कूलों में हॉकी और बॉक्सिंग इनकी नर्सरी स्थापित की गई है। हमारी मान्यता है कैच दम यंग 5 साल से लेकर के और 15 साल के बच्चे, इनको नर्सरीज में हम जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको पारंगत करते हैं और एक बार बचपन में यदि खेल का शौक लगता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। हमने हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को बहुत से प्रोत्साहन, नगद प्रोत्साहन भी दिए हैं। देश भर के अंदर किसी भी ओलंपिक का खिलाड़ी यदि सोने का तमगा लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है तो उनमें जितने इनाम दुनिया भर में मिलते हैं, मैं दावा करता हूं कि हरियाणा का इनाम फर्स्ट जो मेडल लेके आता ओलंपिक में सर्वाधिक 6 करोड़ रुपए हम उसको देते हैं एक खिलाड़ी को। अपने आप में इस राशि से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खेलों के प्रति हमारा जो विचार है, खेलों के प्रति हमारा जो योजना है वो किस प्रकार से होगी। हम गांव गांव के अंदर खेल के अंदर पारंगत करने के लिए स्टेडियम बनाते हैं, गांव स्तर के स्टेडियम, ब्लॉक स्तर के स्टेडियम, जिला स्तर के स्टेडियम, फिर बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा में बनने जा रहे हैं। आज चूंकि बहुत से प्रदेशों की टीमें यहां आई हैं, निश्चित रूप से आप 5 दिन यहां इकट्ठे रहने वाले हैं, आपको हरियाणा का जो खेलों के प्रति जज्बा है ये आपको निश्चित पता लगेगा। इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी को, हर टीम को अपने आप को आगे बढ़ा करके और प्रदर्शन करने की चाह होनी चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए। रिजल्ट तो 5 दिन बाद आएगा लेकिन मैं हर एक को शुभकामना देता हूं कि एक से एक आगे बढ़ करके खेल की भावना से हम यहां पर प्रथम आने की कोशिश करें। मानो कोई प्रथम न भी आए तो अपना हौसला तोड़ना नहीं है, इस बार प्रथम नहीं आएंगे तो अगली बार आएंगे, हर समय आगे बढ़ने की ललक ये हमारे मन में रहनी चाहिए। मैं पुनः आज के इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। एशियन गेम्स में हरियाणा का डंका बजा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात कही। इसके साथ ही 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। करनाल के मधुबन से सीएम मनोहर लाल को आप लाइव सुन रहे थे और ये तस्वीरें कार्यक्रम से सीधे सामने आ रही हैं। और देखिए काफी कुछ कहा अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, खेलों का भी उन्होंने जिक्र किया। भारत के खिलाड़ी किस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं भारत का, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और पुलिस की ड्यूटी के बारे में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी बात रखते नजर आए। हरियाणा पुलिस में 10% महिला पुलिसकर्मियों की संख्या है। पुलिस विभाग में रोजगार नहीं, सेवा भाव से काम करना होगा, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। सीएम मनोहर लाल पुलिस विभाग को सुझाव देते भी नजर आए। वर्दी के साथ साथ पुलिस थानों में भी रेटिंग का सुझाव उन्होंने दिया, 1 से लेकर 7 स्टार तक पुलिस थानों को किया जाएगा रेट। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हो रहे कार्यक्रम में कही हैं। और इसके साथ ही अपने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हर पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की। पुलिस की राशन डाइट भत्ते में करीब 2.5 गुना की बढ़ोतरी को भी मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। करनाल से ये तस्वीरें, मधुबन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेस्टिंग क्लस्टर का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है और कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एकहत्तर में से 16 मेडल हरियाणा के हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। जो भारत को मेडल मिले हैं उसमें हरियाणा के कितने हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। खेलों और जवानों का बहुत बड़ा योगदान है,
हरियाणा के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार की भी बात उन्होंने कही। इसके साथ ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वालों को 6 करोड़ देने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर के शुभारंभ में उन्होंने ये तमाम बातें कही। एशियन गेम्स का जिक्र करते हुए मनोहर लाल यहां नजर आए। 71 में से 16 मेडल हरियाणा के हैं। पदक में हरियाणा का 20% योगदान है। तो देखिए खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी कितना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में उठाई। इसके साथ ही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हमें और आगे बढ़ाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस खास कार्यक्रम में अपने संबोधन में तमाम बातें कही। उन्होंने कहा खेलों और जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार की भी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। यह विशेष कार्यक्रम 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का शुभारंभ हुआ है। इसके साथ ही एचपीए मधुबन के दीक्षांत समारोह में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज संबोधित किया।